तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने निकलना था राइड पे और ये आयुष लेटा हुआ मेरे साथ ही। हम हो गया थोड़ी लेट क्योंकि अतुल ने जाना था, अतुल ने जाना था हमारे साथ। तो अतुल को किसी को लेके टेस्ट कराने ले जाना है, तो अब हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम 5:30-5 बजे निकल जाते हैं, बट आज हमें 7:30 बज गए। तो आज को इतना ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, तो बस अभी अब अतुल का फ़ोन आएगा और हम निकल जाएंगे। टाइम हो गया 8, तो हम बैठे हैं अभी 5:30 में। उधर नॉर्मली इस टाइम हम पहुँच गए उधर। अतुल मैम देखो जी, हमारे साथ आज अतुल जी जा रहे हैं। अभी जस्ट इनकी जॉब लगी है, इन्होंने पगोंग खज्जर करना शुरू किया। क्या कर सकता है, सुबह से लगा हुआ। चलो आज हम जा रहे हैं देवी पिंडी। देवी पिंडी जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर ही दूर है। बस आपने जम्मू उधमपुर हाईवे पे टिकरी से लेफ्ट साइड हो जाना है और बाइक से आपकी पहले ही लग जाएंगी। उसके बाद आपको 4 किलोमीटर का इजी सा ट्रैक करना है देवी पिंडी पहुंचने के लिए। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं रास्ते में। पूरे रास्ते में आपको जंगल और बड़े बड़े पहाड़ी दिखेंगे। तो जो ये ट्रैक है देवी पिंडी का, बहुत ब्यूटीफुल है। लश ग्रीन फॉरेस्ट और पूरे रास्ते में पानी की स्ट्रीम आपके साथ ही रहेगी। देवी पिंडी ये रास्ता क्या इधर से? हाँ, तो हुआ ऐसा कि बीच में हमने गलत टर्न ले लिया था, पर जब लोकल से पूछा तो पता लगा कि ये रास्ता भी देवी पिंडी ही जाता है। चलो इस बहाने हमने ये नया रास्ता भी एक्सप्लोर कर ही लिया। ये आ गए हम मेन रोड पे। ये रास्ता सीधा देवी पिंडी माता की तरफ ही जाएगा। लो जी, हम पहुंच गए हैं ट्रैक के स्टार्टिंग पे। आप मेरे राइट साइड पे देख ही सकते हैं देवी पिंडी ट्रैक। तो देवी पिंडी ट्रैक यहाँ से अब मॉडरेट 4 किलोमीटर का ही ट्रैक है। जैसा कि हमने सोचा था, हम यहाँ से ट्रैक करेंगे, पर बाद में डिसाइड हुआ कि इसके आगे भी एक रास्ता है देवी पिंडी जाने का। क्योंकि पिछली बार हम इस रास्ते से गए थे, तो अब डिसाइड किया है कि आगे वाले रास्ते से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आगे हैं जी हम देवी पिंडी जाने के दूसरे रास्ते पे। संडे होने के कारण यहाँ पहले से ही कुछ लोग आए हुए हैं। बस यहाँ पर हमने बाइक पार्क करनी है और अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो अब हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। तो ट्रैकिंग करते करते मैं आपको देवी पिंडी के बारे में कुछ बताता चलूँगा। देवी पिंडी हमारे जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। रोड्स बहुत अच्छी हैं, आप आराम से अपनी कार या हमारी तरह बाइक से आ सकते हो। और अगर आप टूरिस्ट हो तो आराम से कार हायर करके 1.5-2 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हो। देवी पिंडी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माँ वैष्णो यहाँ पे हर साल 9 महीने आके मेडिटेट करती हैं। तो जैसे कि माता वैष्णो देवी मंदिर में माँ पिंडी रूप में विराजमान है, वैसे ही यहाँ भी माँ पिंडी रूप में ही विराजमान है। जब आप यहाँ ट्रैकिंग शुरू करते हो, आप ज़्यादा थकते नहीं हो, क्योंकि ना तो यहाँ चढ़ाई ज़्यादा है और ना ही उतराई। अगर आप मेन रास्ते से आते हो तो,
पर जिस रास्ते से हम इस बार आए हैं ये कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मेन रास्ते से थोड़ा शॉर्ट है। बस ये सामने से हम उस मेन रास्ते में मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो ये रास्ता ब्यूटीफुल तो है पर काफी तंग है, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। तो जब भी आप ऐसे रास्ते में हो तो अपना पूरा ध्यान रास्ते पर ही रखें, वरना यहाँ सावधानी हटती है और दुर्घटना घट जाती है। जब आपने इस ट्रैक पे आना है बस इस स्ट्रीम को फॉलो करना है और आप देवी पिंडी मंदिर इजीली पहुंच जाएंगे। सामने है देवी पिंडी माता का मंदिर, बस यहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद वापसी में यहाँ पे नहाने के बहुत नेचुरल पूल्स हैं, वहां पे नहा के घर वापस। हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर। आप लोग भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लो। जैसे माता वैष्णो देवी में माता की तीन पिंडियां हैं, वैसे ही सेम पिंडियां यहाँ पे हैं। जय माता दी। अभी हम दर्शन करके बाहर निकले ही थे कि यहाँ पेड़ पे हमें लंगूर देखे, तो इसका मतलब आप जब भी यहाँ आए तो अपने खाने पीने के सामान का ध्यान रखें। होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा जैसे कि हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनसीन जम्मू के वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।